भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में मुलाकात की, लेकिन इन दोनों नेताओं ने महाबलीपुरम को ही क्यों चुना? नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज हम बात करेंगे महाबलीपुरम के बारे में, इस शहर की ऐतिहासिकता के बारे में, क्यों ये ऐतिहासिक है, क्यों इसका महत्व है, चीन ने क्यों इस शहर को चुना, चीन का क्या रिश्ता है इस शहर से, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से करीब 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम यूनेस्को की सूची में शामिल ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। किसी जमाने में से मामल्लापुरम भी कहा जाता था। तमिलनाडु का यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह पल्लव राजाओं की राजधानी था। द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह शहर बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया है। कभी महाबलीपुरम के शासकों ने चीन के साथ तिब्बत की सीमा की सुरक्षा के लिए समझौता किया था। महाबलीपुरम का पुराना इतिहास है। समुद्र के किनारे बसे शहर को पल्लव वंश के राजा नरसिंहदेव परमन ने बसाया था। इस शहर से कभी चीनी सिक्के मिले थे, जिसे ये बात सामने आई थी कि यहाँ और चीन के बीच व्यापारिक संबंध थे जो बंदरगाह के जरिए होते थे। यही कारण रहा है कि चीन और पल्लव वंश लगातार करीब आते चले गए। इसी के बाद 7वीं सदी में चीन ने महाबलीपुरम के राजाओं से समझौता किया। दोनों के बीच हुआ यह समझौता सुरक्षा को लेकर था, जो कि तिब्बत सीमा के लिए हुआ था। चीन ने यह समझौता पल्लव वंश के तीसरे राजकुमार बोधिधर्म के साथ किया था, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध भिक्षु बन गए। यही समझौता और चीन को की गई मदद एक कारण भी थी कि चीन में बोधिधर्म को सम्मानित दर्जा प्राप्त है। महाबलीपुरम तमिलनाडु की उन जगहों में शामिल है जो वहां के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर आपको ऐतिहासिक इमारतों को देखने में रुचि है तो आपके लिए महाबलीपुरम में काफी कुछ देखने के लिए है। वराह गुफा मंदिर में कई अद्भुत मूर्तियां हैं। इसे वराह मूर्तिकला के कारण ही वराह मंदिर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान नरसिंह के लिए किया गया था। दीवार से लगे दो पूर्ण स्तंभ और दो अन्य स्तंभ हैं। गर्भगृह अंदर की ओर नहीं बल्कि बाहर की ओर है। दीवार में एक वराह शिल्प कला भी है। यहाँ द्वापर युग में जन्मे अर्जुन की तपस्या करती हुई मूर्ति है। यह मूर्ति स्थल सेना पेरुमाल मंदिर के पीछे ही है और यह एक विशाल पत्थर को तराश कर तैयार की गई है। यह मूर्ति करीब 30 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी है। आमतौर पर इस मंदिर को पांडवों के रथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह एक ही पत्थर को तराशते हुए बनाया गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि इन मंदिरों को 5 पांडवों के लिए ही निर्मित किया गया था, लेकिन यहाँ उनकी कोई प्रतिमा नहीं मिलती। कहा जाता है कि यह मंदिर शिव, विष्णु और कोत्रवई देवी का है। यहाँ बने हर एक मंदिर की अपनी अलग शिल्प कला है। महाबलीपुरम नाम दो किनारों के मंदिरों की छवि को स्पष्ट करता है। इन मंदिरों का निर्माण नरसिम्हा द्वितीय ने किया था। इसे राजसिम्हा भी कहते हैं। जब साल 2004 में सुनामी ने तमिलनाडु के किनारों को अपनी चपेट में लिया था तो समुद्र का पानी मंदिरों में प्रवेश कर गया था। हालांकि ये मंदिर इतने मजबूत हैं कि इन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा था। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग भी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इन मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मा प्रथम के शासनकाल 630 से 680 के बीच हुआ था, लेकिन इन मंदिरों का काम उनके शासनकाल में पूरा नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन के शासनकाल के दौरान पूरा हुआ। तो ये पूरी जानकारी थी महाबलीपुरम पर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किसी नए टॉपिक पर जानना है तो नीचे टॉपिक का नाम लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।